किशोर जगत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम JRD टाटा, भारत के पहले उड़न पुरुष। Your attention please. Air India International flight number AE535 from New Delhi to London is about to take off at 018 hours. Passengers may kindly proceed towards gate number 7 for boarding. Your attention please. और सोलो फ्लाइट कंपटीशन में सन 1929 का आगा खान ट्रॉफी का पहला इनाम जाता है मिस्टर SP इंजीनियर को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये इनाम पाकर मैं बहुत खुश हूं। दोस्तों, ये इनाम मुझे मिला जरूर है, लेकिन इस इनाम के असली हकदार हैं मिस्टर JRD टाटा। जी हाँ, आप सोचेंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन सच यही है। आज टाटा जी नहीं होते तो मैं इस स्टेज पर खड़ा होकर ये ट्रॉफी नहीं ले पा रहा होता। SP जी, जरा खुलकर बताएंगे कि ये क्या राज है? शो, वाई नॉट। ये कुछ घंटे पहले की बात है, मैं लंदन से कराची की उड़ान पर था और मिस्टर टाटा कराची से लंदन की ओर। हम दोनों ही बीच में अलेक्जेंड्रिया पर उतरे और हेलो, मेरा ख्याल है तुम SP इंजीनियर हो। हाँ, और तुम जहांगीर हो ना? JRD टाटा। बिल्कुल ठीक पहचाना। तुम भी सोलो फ्लाइट कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो ना? हाँ दोस्त, बस फर्क यह है कि तुम कराची से लंदन जा रहे हो और मैं लंदन से कराची। ओ, मतलब हम एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। चलो देखते हैं आगा खान ट्रॉफी कौन जीतता है। मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्त, लेकिन विश करने का कोई फायदा नहीं। क्यों? अभी तो आधा रास्ता बाकी है, तुम जीत सकते हो। नहीं जीत सकता भाई, मेरे प्लेन का स्पार्क प्लग खराब हो गया है और मेरे पास एक भी स्पेयर स्पार्क प्लग नहीं है। अब मैं प्लेन कैसे उड़ाऊंगा? ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। यहाँ के एयरपोर्ट पर ट्राई नहीं किया क्या? किया था, पर मेरे प्लेन का स्पार्क यहाँ नहीं मिला। एनीवे, तुम चिंता मत करो, मेरे पास 8 एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग्स हैं। ओह रियली? ऐसी स्थिति से बचने के लिए मैं हमेशा अपने पास में रखता हूँ। ग्रेट, मैं एक तो तुम्हें दे ही सकता हूँ, वो तुम ले लो और आगे का सफर पूरा करो। लेकिन तुम्हें जरूरत पड़ी तो क्या करोगे? अरे भाई, तब की तब देखी जाएगी, वो भविष्य की बात है। अब तुम समय खराब मत करो, चुपचाप चलो और फटाफट स्पार्क प्लग चेंज करो। थैंक्स, हाउ स्पोर्टिंग ऑफ यू जे। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एंड यू मस्ट टेक माय वेस्ट लाइफ जैकेट इन एक्सचेंज इफ यू इंसिस्ट। भाई शर्मिंदा मत करो, इसमें एहसान की क्या बात है। खिलाड़ी का काम केवल खेलना और जीतना ही नहीं, बल्कि और खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेलना होता है। राइट। और इस तरह JRD टाटा के स्पार्क प्लग की बदौलत मैं आगा खान ट्रॉफी जीत सका। थैंक यू जे। यू आर वेलकम इंजीनियर। माय प्लेजर। ये बात है सन 1929 की। ये थे टाटा इंडस्ट्री के एक आधार स्तंभ JRD टाटा। इनका पूरा नाम था जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। रतनजी दादाभाई टाटा और श्रीमती सोनी की 4 संतानों में से दूसरे थे जहांगीर। इनकी माताजी फ्रेंच थी और पिता पारसी। बचपन में ही इन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया गया था। टाटा की रुचि उड़ान भरने में बचपन से ही थी। उनका ये सपना पूरा भी हुआ जब 10 फरवरी सन 1929 को
उन्होंने केवल 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद पायलट की परीक्षा पास की। विशेष बात यह है कि जहांगीर पायलट का नीला और सुनहरी लाइसेंस सर्टिफिकेट पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। तब उनकी पत्नी थेल्मा ने उन्हें बधाई दी। बधाई हो जे, बहुत बहुत बधाई हो, आखिर तुम्हारा सपना पूरा हो गया। थैंक यू थेल्मा। लेकिन सच तो ये है कि मेरा सपना पूरा ही नहीं हुआ, बल्कि उसमें पंख लग गए हैं। पंख? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सिर्फ भारत का पहला पायलट बनकर ही खुश नहीं रहना चाहता, बल्कि अब तो मैं भारत की अपनी एयरलाइंस शुरू करना चाहता हूँ। एयरलाइंस? ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। जी, डोंट यू थिंक कि अभी कम से कम भारत में ये मुश्किल सपना है? मैं जानता हूँ थेल्मा, लेकिन आसान सपना मुझे देखना ही कहाँ आता है। थेल्मा, आसान सपनों को पूरा करने में मजा ही क्या है? ये तो मुझे पता है कि जो काम तुम मन में ठान लेते हो उसे पूरा जरूर करते हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। गॉड तुम्हारा सपना जरूर पूरा करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओह, थैंक यू सो वेरी मच थेल्मा। माय प्लेजर। और वाकई वो दिन भी आया जब सन 1932 में टाटा एविएशन सर्विस शुरू हुई, जिसका नाम सन 1946 में बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। इसी में एक मील का पत्थर और जड़ते हुए सन 1948 में जहांगीर ने एयर इंडिया इंटरनेशनल के नाम से भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू की। Ladies and gentlemen, good morning. This is your captain, and I welcome you all on board IC-81. We'll travel from London to Paris. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े बिजनेसमैन ने अपने करियर की शुरुआत ट्रेनी के रूप में की थी और टाटा एंड सन्स को सन 1925 में ज्वाइन किया था। लगभग 9 साल बाद इनके पिता ने 34 वर्षीय JRD को अपने कमरे में बुलाया। हेलो पापा। हेलो माय सन, कम ऑन, हैव अ सीट। थैंक यू पापा। क्या कुछ खास बात थी? हाँ, खास बात तो है, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाता, किसी के हाथ मैसेज भिजवा देता। पापा जल्दी बताइए ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। बात बताने की नहीं, दिखाने की है। ये लो, कंपनी का लेटर पढ़ लो। क्यों, क्या बात है भाई? मुझसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही पढ़कर देख लो। वाओ, आई कांट बिलीव दिस पापा, लेकिन ये कैसे हो सकता है पापा? क्यों, क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम इस लायक नहीं हो? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, बट यू नो, अभी तो मुझे इस कंपनी में काम करते हुए साल ही कितने हुए हैं और मुझे चेयरमैन बनाया जा रहा है। पापा, आपको नहीं लगता कि इस पोस्ट के लिए मुझे अभी और तजुर्बे की जरूरत है? बेटा, कंपनी ने पिछले 9 साल में तुम्हारे काम, लगन और विचारों को परखा है। कंपनी के डायरेक्टर्स को लगता है कि तुम इस पोस्ट को अच्छी तरह संभाल सकते हो। मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम हमारे भरोसे पर खरा उतरोगे। बिल्कुल पापा, आई विल डू माई बेस्ट। दैट्स इट, गुड। जाओ बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू। थैंक यू पापा। जहां JRD टाटा ने भारत को विश्व स्तर की हवाई उड़ान यानी एविएशन की सुविधाएं दी, वहीं उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में स्टील, सीमेंट, तेल, साबुन, वस्त्र, ट्रक, इंश्योरेंस और बिजली ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान भी दिया।
चाय से लेकर ट्रक, साबुन तेल से लेकर नमक तक। नमक, चाय और ट्रक में क्या समानता है? टाटा, टाटा। विश्व की चाय की सबसे बड़ी कंपनी टाटा टी है। मीडियम और हेवी व्हीकल जो भारत की सड़कों पर माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, उनमें से 50% से अधिक टाटा लोकोमोटिव और इंजीनियरिंग कंपनी यानी टेल्को में बनते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR देश का विज्ञान और प्रौद्योगिकी शोध का अग्रणी संस्थान है और चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर के इलाज और शोध के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मानवता की सेवा कर रहा है। वाकई जहांगीर ने अपने पुरखों की विरासत को बहुत ही कुशलता से संभाला। उनकी कंपनी देश के हितों का पूरा पूरा ख्याल रखती थी और उन्हें अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य आदि हितों का भी सदा ध्यान रहता था। उनके लिए उन्होंने बहुत सी सुविधाएं शुरू की जो भारत की अन्य बड़ी कंपनियों में आज भी नहीं मिलती। Good morning, gentlemen. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Please have a seat. Be seated. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Gentlemen, जैसा कि आपको पता है, आज की मीटिंग का मुद्दा है कंपनी और कर्मचारियों का रिश्ता। जी सर। आपका इस विषय में क्या विचार है? माफ कीजिए, मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों को ज्यादा छूट देने से वो मुंह फट हो जाते हैं। जी 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 सर। यूनियन वगैरह बनाकर नाजायज मांगे करते हैं जिससे बाद में कंपनी का बहुत नुकसान होता है। बात तो ठीक है, लेकिन इस मुद्दे का दूसरा पहलू ये भी है कि भारत में कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही खराब है। यदि हम उनसे अच्छे रिश्ते बनाएं और उन्हें ये एहसास करा दें कि वो केवल कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि इस कंपनी का एक अहम हिस्सा हैं, तो शायद कम से कम हमारी कंपनी में तो ये स्थिति ठीक हो ही सकती है। क्या ख्याल है आपका? जी सर, वेरी गुड। ये बात तो बिल्कुल सही है। यदि कर्मचारी खुद को कंपनी से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे तो ज्यादा दिल लगाकर काम करेंगे, इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। That's the point. और इसीलिए मैं कंपनी की कर्मचारी संबंधी नीति में कुछ बड़े बदलाव चाहता हूँ। बदलाव जैसे सर? जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कर्मचारी का रिश्ता कंपनी से केवल 8 घंटे का ही नहीं हो, बल्कि जब कर्मचारी अपने घर से कंपनी के लिए चले और वापसी में जब तक घर पहुंचे तो वो समय भी उसके काम में सम्मिलित किया जाए। माने सर बात कुछ समझ नहीं आई। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को इस अतिरिक्त समय के लिए भी वेतन दिया जाएगा? नहीं नहीं, वेतन नहीं, सुरक्षा। आप जानते हैं कि यदि हमारी कंपनी में कार्य के समय किसी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो कंपनी उसका मुआवजा देती है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी विंग के कर्मचारी को भी एक दुर्घटना में मुआवजा मिल चुका है। बस यही बात है जी। अब से कंपनी उस अतिरिक्त समय में हुई दुर्घटना के लिए भी कर्मचारी को मुआवजा देगी। जी जी, क्या बात है, ग्रेट है सर। यू आर ग्रेट। एक बिजनेसमैन होकर आप कर्मचारियों के फायदे के विषय में सोचते हैं। कर्मचारियों के प्रति इसी सद्भावना के कारण ही टाटा स्टील टाउनशिप को जीवन स्तर की उच्च गुणवत्ता के लिए UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया। जहांगीर को पत्र लिखने का भी बहुत शौक था।
उन्होंने अपने जीवन में 40,000 से भी ज्यादा पत्र लिखे थे। उनकी हर संभव कोशिश यही होती थी कि वे अपने हर पत्र का जवाब जरूर भेजें। कोलकाता के एक अध्यापक श्री केसी भंसाली को लिखे एक पत्र में उन्होंने अपने जीवन के मूल सिद्धांतों के बारे में लिखा था, बिना दृढ़ विचारों और कठिन परिश्रम के जीवन में कुछ भी श्रेष्ठतम हासिल नहीं किया जा सकता। कोई भी सफलता या उपलब्धि भौतिक रूप से तब तक कोई अर्थ नहीं रखती जब तक वो हमारे देश और इसके नागरिकों के हितों की रक्षा नहीं करती। इसी प्रकार अपनी कार्यशैली के संबंध में उन्होंने कहा था, यदि मेरे पास कोई योग्यता है तो वो है लोगों की योग्यता और शैली को समझते हुए उनके साथ आगे बढ़ना। अच्छा नेता बनने के लिए आपको स्नेहपूर्वक लोगों का नेतृत्व करना होगा। जहांगीर टाटा को अपने जीवन में इतने पुरस्कार मिले कि गिनना भी मुश्किल है। सन 1957 में एयर इंडिया की रजत जयंती की शाम को उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया। सन 1966 में स्वयं भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जुन सिंह ने उन्हें भारतीय वायुसेना के पहले मानद एयर कमांडर का सम्मान दिया और 1992 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उन्हें दिया गया। इसके साथ ही जहांगीर उन महान लोगों में शामिल हो गए जिन्हें ये सम्मान उनके जीवन काल में ही मिल गया। जहांगीर ने परिवार नियोजन की सरकारी नीति बनने से पहले ही इस क्षेत्र में विशेष प्रयास आरंभ कर दिए थे, जिसके लिए उन्हें 1992 में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया। 29 नवंबर 1993 को ये महान व्यक्ति दुनिया से विदा हो गया। संसद सदस्य न होते हुए भी इनकी मृत्यु पर संसद स्थगित कर दी गई। ऐसा सम्मान भी किसी विरले व्यक्ति को ही मिलता है। To be a leader, you've got to lead human beings with affection. J.R.D. टाटा, भारत के पहले उड़न पुरुष। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन एवं शोध डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख जयप्रकाश विलक्षण, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, अशोक कुमार शर्मा, प्रवीण शर्मा, ममता मलकानी, राजेश आहूजा और जैमिनी कुमार। तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे, ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगरो तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।